नमस्कार दोस्तों, मैं गिरुआ। अगर रिटायरमेंट होला गायिका को गाना में गवाएंगे तो गाना शेयर करेगी क्या? कभी सोचा आप लोगों ने? इस भाई गाना के साथ धोखा हुआ है। ये गाना के बारे में मैं सब लोगों का चेक करा था कि आखिर इस गाना की इतना बेटर होने के बाद लाइक क्यों कम मिला। पहला आकांक्षा पुरी ने अपने इंस्टाग्राम पर डाला, लेकिन उन लोगों का फैन का एक्टिविटी इस गाना पर जीरो रहा। सही में, वाकई में मैं बता रहा हूँ, आकांक्षा पुरी की इतना फॉलोअर होने के बाद उसका फॉलोअर एक भी ये गाना भोजपुरी सुनने नहीं गया, तो फिर रखा क्यों गया था? इससे बेटर कोई भोजपुरी को रख लेते तो बेटर हो जाता। उसका एक्टिविटी फैंस का जीरो, मतलब उसका फैन था ही नहीं, इसका मतलब फॉलोअर उसका आया कहाँ से? तीसरा चीज, दूसरा चीज बता रहा हूँ, कल्पना जी को जो कि रिटायरमेंट हो गई है, उनको पवन भैया ने गाना दिया। और जानते हो एटीट्यूड भाई, इंस्टा पर इन बंदी ने, भाई बंदी कहो या चाची कहो या आंटी कहो, गाना शेयर ही नहीं की। देखा एटीट्यूड। और मैं कल्पना जी के बारे में बोलना चाहता हूँ साफ सुथरा कि इस फिल्म में, ये गाना में जो गाना गाई है ना, तुझे ना देखो तो चैन, इसमें आप कहीं जो आवाज़ है जो मेरा दिल को अच्छा नहीं लगा, सही बता रहे हैं। लेकिन हम जनता के बीच में ये बात बोलेंगे तो जानते उधर से भाई, उधर से भर भर के आएगा, तो इसीलिए बात हमने नहीं बोला। लेकिन रियली बोल रहा हूँ, कसम से मम्मी कसम, मुझे कल्पना जी के इसमें गाना का आवाज़ जो है पसंद नहीं आया। इसीलिए फिल्मी गाना बन जाता है, और फिल्मी गाना भोजपुरी में कितना चलता है मुझे मालूम है, आज के डेट में नहीं चलता है। और यही इस गाना को गोबर गोईठा कर दिया। लेकिन पवन भैया ने मौका देने के बावजूद भी आंटी जी आपने शेयर नहीं किया। ये गाना 5 नंबर पर ट्रेंडिंग में है ऑलरेडी, 2 मिलियन या 3 मिलियन या 5 मिलियन का जितने भी व्यूअर्स हैं, लेकिन लाइक इतना कम, फैंस की एक्टिविटी नज़र नहीं आया उतना जिस तरह का गाना बनाया गया। चौथा, इसमें इतना धोखाबाजी और गलत काम किया गया टिप्स भोजपुरी की तरफ से। आज आवा तो धमाका हुई, कल आवा तो धमाका हुई, और टाइमिंग जानते हो कब रखा? 11 बजे। मतलब सब लोग खाना खा कर पहलवानी और ड्यूटी करने जाता है, इस भैया को अंदर से जोश जागा और गाना छोड़ दिया। ये सारा कुछ गलती मिलाकर, नहीं तो गाना का लाइक 2 लाख से 3 लाख लाइक जाता। मैं जो भी गाना सुनता हूँ भाई, अच्छा लगता है दिल का, तो मैं उसको लाइक करके जाता हूँ। मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो पौन है कि वो खिसारी है, भाई मुझे गाना पसंद आ गया मैं लाइक करके निकल जाता हूँ। हम जानते हैं हमारे पास निगेटिव और पॉजिटिव दोनों कमेंट आ रहे हैं, और जनता भी समझदार है कुछ व्यूवर्स के लेकर। तो भाई सब कंपनियां अपने तरीका से प्रमोट करती है, जो कलाकार के 10 लाख 12 लाख 15 लाख में गाना शूट करवा रही है तो कंपनियां भाई अपने बजट निकालेगी, वो कुछ भी करे, सभी कलाकार पर लागू होता है, सब कलाकारों के लिए, वो कलाकार के हाथ में नहीं, वो कंपनी करवाती है। तो प्लीज सभी कलाकार करवाते हैं, सब लोगों को चीज़ आज ना कल परसों सब पर दिखाई देगी, तो करना ज़रूरी भी है। बॉलीवुड हरियाणवी सब लोग करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। मेरा जहाँ भी वीडियो चढ़ा होगा इस पर, तो ये कहीं मुद्दा होगा कि यहाँ सब लोग चलाते हैं, ये कोई गलती नहीं, इस पर वीडियो ही नहीं बनना चाहिए, लेकिन लोग वीडियो बनाते हैं तो कमेंट आने लगता है भाई, तो सब लोग चाहता है कि ये भी बंदा बोले, हम बोलने आ जाते हैं, ठीक है, उसमें हमारे कोई गलती नहीं है। हम चलते हैं भाई, नमस्कार।